अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन siasat.com पर आप सबका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद की अहम सड़कों पर एक बार फिर भीख मांगने वालों की टोलियां सरगरम हो गई है और शहर के अहम सिग्नल्स पर इन टोलियों की वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से शहर हैदराबाद को भीख मांगने के लिए ये टोलियाँ आती हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद में जितना सदका अतियात और भीख देते हैं शायद ही कोई और शहर में देते होंगे। मांगने वालों की इस टोली के एक रुकन से पूछा जाने पर बताया गया है कि इन्हें सिग्नल्स पर सुबह से शाम तक भीख मांगने से 800 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं, तो इस हिसाब से इन्हें एक महीने के 30000 रुपए आमदनी होती है। ये टोलियाँ मासूम बच्चों को हाथ पैर या सर पर पट्टियाँ बांध कर लोगों को गुमराह करते हैं और अवाम हमदर्दी में आकर इन्हें भीख दे देते हैं, लेकिन ये लोग इसे ही रोजगार बना दिए हैं। GHMC को शहर में एक बार फिर गदागर हटाओ क्रैकडाउन शुरू करना होगा, क्योंकि फिर ये टोलियां सरगरम हो गई हैं। इनमें ज़्यादातर भीख मांगने वाले फर्जी होते हैं।